वेलकम फ्रेंड्स, ऋषिराज गेमिंग में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके गाइस, तो देखो हम हैं अभी इस खंडर पर और मैं आपको इसकी लोकेशन वगैरह बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये कैसे कहाँ कैसे मिला हमें। खैर, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ गाइस। देखो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल वाले आइकन को भी दबाओ ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना गाइस, तो उससे मेरे को पता चलता रहता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना गाइस, तो चलो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो हमने क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ और क्या क्या कैसे कैसे खोजा है और क्या क्या किया है। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ना डोडो वगैरह टेम करेंगे। सीरियसली डोडोस टेम करेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, मैंने ना ये एक लोकेशन फाइंड आउट की है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये इधर 60 और 12 के आसपास। तो गाइस ये बेस्ट लोकेशन है मेरे हिसाब से, क्यों पता है? मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये देखो, ये एक मतलब पुराना खंडर टाइप का है। आई डोंट नो एक्चुअली ये क्या है क्या ये, पर आई थिंक ये किला है जो मतलब हमें मिल गया है, मतलब ये बना बनाया है पहले से। तो इसमें हमें ना फायदा एक ये होगा कि हम वाइल्ड क्रीचर से थोड़ा सेफ रह पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ मतलब हमने कितना कोशिश किया था, कितना मुश्किल से हम मतलब बच पाते हैं। ये देखो आप यहाँ मस्त आराम से हम यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ पता है क्या, यहाँ एक डायनो गेट सेट करना है हमको, एंड दैट्स इट गाइस। यहाँ पर कोई डायनो बाहर से तो नहीं आ पाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर मेटल भी है देखो। ओके, मतलब हाँ उतना मेटल नहीं है, आई नो, पर ये देखो आप, ये काफ़ी सही जगह है वैसे। मतलब देखो ये पत्थर वत्थर हटा देना अगर हम, तो काफ़ी फ्लैट जगह में मिल जाती है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ से भी हम जा सकते हो, काफ़ी सारी जगह है। मतलब देख रहे हो ना, डायनोस स्टोर करने के लिए भी काफ़ी सही जगह है। क्योंकि यहाँ पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कि हम बस वाइल्ड क्रीचर से बच जाएं। क्योंकि भाई प्राइमल फियर है भाई, इसमें तो मेन चीज़ यही है कि आप कितने अच्छे से छुप सकते हो। क्योंकि अगर आप गलती से दिख गए तो भाई गए, यहाँ कोई नहीं छोड़ने वाला आप। तो यहाँ मेटल भी काफ़ी है मेरे हिसाब से, मतलब काफ़ी मेटल हार्वेस्ट कर सकते हैं हम। आई नो एक गेट शायद यहाँ पर भी होगा, आई डोंट नो एक्चुअली है कि नहीं। हाँ एक्चुअली है, तो एक गेट शायद ये है। ओके, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पानी भी है देखो, नीचे है देखो, लेकिन वहाँ पर एक वाइल्ड डायनो घूम रहा है। अगर आप देखो तो वो देखो भाई क्या चीज़ है वो, मालूम नहीं भाई, मैं तो जाने वाला नहीं हुआ। वैसे ना अपना ये लगा लेता हूँ मैं यार, ये क्यों नहीं लगाया मैंने अभी तक। बाकी ये मैंने कैसे बनाया था, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा भाई ये क्या चीज़ है। वो प्राइमल कार्नो, भागो 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 यहाँ से, तो भाग ही लो। तो गाइस मैं आपको बता रहा था, हाँ ये थोड़ा सा बेस देखो आप, मतलब काफ़ी सही बेस है वैसे ये। मतलब वो वाला बेस मैं एक काम करूँगा, वो जो एंट्रेंस है ना उसको बंद ही कर देंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पर हम कितने सारे डायनोस वो कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। ओके, और ये देखो भाई कितना सही जगह है। देखो आप एक बार, देखो आप एक बार, मस्त इधर भी आ सकते हैं मस्त। ये देखो आप कितना बड़ा मतलब है, ये जगह देख रहे हो आप कितनी मस्त है। यहाँ देखो कितनी फ्लैट सरफेस है, मैं कुछ भी बना सकते हैं, आप देख रहे हो ना, काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हाँ हमको थोड़ा बहुत मेटल नीचे मिल जाएगा, मतलब हाँ उतना नहीं है, पर लेट्स सी गाइस एक्चुअली ठीक है। मतलब देखो यहाँ से हम जा सकते हैं नीचे मस्त, ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी जगह है। तो मैं एक काम कर दूँगा गाइस, सबसे पहले मैं अपना बेड वेड बना लेता हूँ, मैं अंदर की तरफ बनाऊँगा थोड़ा सा। और हाँ मेरे को पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मेरे को देखना पड़ेगा पानी आने का भी, थोड़ा सा सोर्स देखना पड़ेगा। मैं बाकी बेड अपना यहाँ बनाऊँगा देखो, बिल्कुल एंड में आके भाई, कि कोई टेंशन ना होने पाए, बिल्कुल यहाँ बनाऊंगा, मतलब एकदम सेफ सेफ एंड सिक्योर है ना। इससे ज़्यादा सेफ एरिया मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा भाई। तो मेरे पास पड़ा है काफ़ी यार, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो ठीक रहता। चलो हम एक काम करते हैं, बेरीज खा लेते हैं, इनसे हमें काफ़ी पानी मिल जाएगा आई थिंक। तो गाइस हम यहीं बना लेते हैं अपना, क्राफ्ट कर लेते हैं। मतलब मेरे को क्या क्राफ्ट करना था, मुझे करना है पहले तो एक फाउंडेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक वुड का फाउंडेशन बनाएं या फिर स्टोन का, आई डोंट नो एक्चुअली वुड फाउंडेशन, चलो वुड का ही बना लेते हैं भाई, वुड का फाउंडेशन ही ठीक रहेगा अभी हाल फिलहाल। और एक बेड बना लेते हैं हम भाई, बेड भी एस प्लस का ही बनाएंगे क्योंकि हमें भाई बहुत ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल। तो एक काम करते हैं हम, अब सबसे पहले हम इस चीज़ को थोड़ा प्लेस कर लेते हैं। और मैं हाँ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखो मेटल, मतलब मेरे पास 100 मेटल हैं, और वो 100 मेटल मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैं अपने पुराने वाले मैप से लेके आया हूँ। क्योंकि यार यहाँ तो अभी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी भाई, अब मेरे को फोर जोज बनानी पड़ती तो बहुत प्रॉब्लम आता, तो मैं अपने उस वाले मैप से ले आया हूँ। और हाँ अभी तक जिसने भी उस सीरीज को नहीं देखा है तो पहले आप उसे भी एक बार वॉच आउट कर सकते हो, वो मतलब उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि इसमें भी मिलने वाली है आपको, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा ही डीप, तो आप उस वाली सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन पर भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली, वो भी काफ़ी अच्छी है।
तो हम फटाफट से जल्दी से प्लेस करते हैं। मैं कहाँ प्लेस करूँ इसे? तो गाइस अब कम से कम हमारा एक रिस्पॉन पॉइंट तो सेट हो गया, तो हमें इतनी मतलब डरने वाली जरूरत नहीं है, तो अब कोई समस्या नहीं है। अगर हम मर भी गए तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। अब बाकी पता ही क्या, अब मैं यहाँ पर तो अपने बेस नहीं बनाऊंगा, मतलब यहाँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको ऐसे खाली रहने दूंगा थोड़ा सा। मैं बेस बनाने की सोचूंगा देखो इस जगह पे, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम वॉल से प्रोटेक्टेड हैं, मतलब फायर वाले मतलब जो फ्लाइंग डायनोज हैं वो थोड़े से हमें दिक्कत दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम अपना काफ़ी बेस सेट कर सकते थे, वो कितनी फ्लैट जगह है हमारे पास। और वैसे मैं आपको एक और दिखाऊंगा, मतलब एक और टाइप का ऐसे ही फोर्ट टाइप का है, वो भी मतलब रूइन है, टूटा हुआ खंडर टाइप का, तो मैं आपको उसको भी दिखा दूंगा, पर अभी नहीं। वो डोंट रैक्स है भाई, उसकी हेल्थ कितनी 1.5 मिलियन। निकल लो भाई यहाँ से, तो भाई अंदर ही हो लो, अपन तो बाहर ही नहीं आएंगे। तो गाइस आप देख रहे हो ना, मतलब बेस के इतने पास इतने गंदे डायनोज भी हैं, इसीलिए मैं इन वॉल्स के अंदर हूँ। पता है क्या, ये वॉल्स टूट नहीं सकती ना, क्योंकि ये टूटने वाली नहीं है, अगर हम बनाते तो वो तोड़ देते। इसीलिए मैंने इस चीज इधर थोड़ा सा बेस बनाने का सोचा है कि भाई कम से कम थोड़े तो सेफ रहेंगे ना एटलीस्ट हम। हमारे पास क्रिस्टल्स तो हैं ही नहीं, और क्रिस्टल लेने जाना मतलब आई डोंट नो एक्चुअली कि हम क्रिस्टल कभी ले भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बिना क्रिस्टल्स के स्मृति नहीं बना सकते, और बिना स्मृति के यार हम गाइस कुछ भी नहीं कर सकते। पता है इस मैप में हम ना कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें डोडो को भी जो टेम करने के लिए ना हमें केबल मतलब कंपलसरी चाहिए, इसमें मतलब है ही, इसमें केबल सिस्टम है। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जरा स्मृति बना लूँ मैं एक बार, तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं चलो ढूंढ लेता हूँ, अगर कहीं मिल गए तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके गाइस, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है मैं गाइस मिलता हूँ आपसे, अगर मिल जाते हैं मेरे को क्रिस्टल्स तो, नहीं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, फिर मैं और कुछ देखूंगा गाइस। 2000 years later. तो गाइस हम वापस आ गए, और हमारी जो क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स ढूंढने की जो मुहिम थी वो बिल्कुल ही नाकाम रही। मैंने बहुत कोशिश की भाई साहब, लेकिन मैं नहीं ले पाया यार क्रिस्टल। पहली चीज़ तो मेरे को मिले नहीं, क्योंकि इस वाले मैप में क्रिस्टल थोड़े मुश्किल होते हैं मिलने, और दूसरे यार इतने सारे क्रीचर्स आ गए हैं ना अब तो। मैंने कुछ और एक्सटेंशन भी इसके डाल लिए प्राइमर फियर के, तो यार भाई वो पॉसिबल तो नहीं हो पाया यार क्रिस्टल। तो मेरे को भाई अपने दूसरे मैप में जाके वहीं से क्रिस्टल लेके आने पड़े यार, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी अभी, तो यार क्या ही कर सकते हैं अब। तो ठीक है गाइज, हाँ ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी ये मैं लेके आया हूँ 100 crystals, तो ठीक है अब जो भी है तो है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को बनाना है, क्योंकि बहुत लेट हो गया यार गाइज, इसी चक्कर में मेरे को समझ लो आप 1 घंटा निकल गया मेरा, वेस्ट हो गया वो पूरा का पूरा, मतलब क्या ही बोलें गाइज, बहुत खतरनाक है ये मैप यार, मैं क्या ही बताऊँ। चलो हमने प्राइमल स्मृति तो बना ली, अब हमें गए इसे जल्दी से सेट करना है प्लेस। ओके फाइन, तो हम इसे कहाँ सेट कर सकते हैं? ओके फाइन, तो हम इसे यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल पैटर्न टेरनोडॉन है, नॉर्मल वाला टेरनोडॉन है, तो हम इसे भी टेम कर सकते हैं। पता है गाइस रेगुलर किपर या रॉ मीट मटन से इसको कर सकते हैं। पता है हमें एक्चुअली ये चाहिए अभी स्टार्टिंग के लिए भाई, ये चाहिए, मतलब कोई क्रीचर तो चाहिए जिससे हम उड़ उड़ के इधर उधर जा सकते हैं। वो क्या चीज़ है? ओके गाइस क्या बोलते हैं, उसको टेम करने की कोशिश करें क्या? हाँ हमारे पास एक्चुअली बोला है, तो हम इसे टेम करने की कोशिश करते हैं गाइस। 5 से हो जाएगा ये? चलो हम एक बार करके देखते हैं, शायद हो जाए ये। वैसे मेरे को तो लगता है कि आई थिंक हो जाएगा। ओके फाइन हो गया। तो 4 नंबर ये हमारे पास बनाए थे हमने ये कुछ। ओके ओके फाइन, तो आई थिंक हमें इसको क्या खिलाना होगा, हमें इसको क्या ही खिलाना होगा, हमारे पास मीट वगैरह कुछ तो होगा। ये तो गड़बड़ है, हमारे पास इतना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली खास। तो ये क्या चीज़ है, नारकोटिक्स है, ये क्या चीज़ है, स्टिमुलेंट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इसे जल्दी टेम कर सकते हैं। यार मैं बहुत डेंजरस जोन में हूँ, पता है क्या, देखो बहुत डर लगता है यहाँ पर आने में। और मैं क्या करूँगा गाइस, यार वॉल्स वगैरह बना दूंगा ये वाटरफॉल के पास, तो जरा हमको आने में थोड़ी सी मतलब सहूलियत रहेगी। यहाँ देखो ये चीज़ है ना, यहाँ पर ये बंद कर दूंगा अगर मैं पुल, ये पुल अगर मैं बंद कर दूँ ना, तो यहाँ से मतलब क्रीचर्स नहीं आ पाएंगे आई थिंक। तो ये थोड़ा सेफ एरिया हो जाएगा फिर हमारा, मतलब वाटर के लिए भी थोड़ा सा सेफ एरिया हमें चाहिए। वैसे देखो ना आप यहाँ पर भी देखो वॉल्स वगैरह हैं, तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात है नहीं, तो समझ रहे हो ना आप, ये काफ़ी सेफ एरिया है वैसे तो, हाँ अगर कोई ऊपर से ना कूदे तो। गाइस काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और मेरे को बहुत टाइम हो गया ऐसे टेम करते हुए, तब ये 99% हो गया, बस एक बार इसे और फीड करना है। और मैंने इसे मतलब मैंने इसे पोटेंट नारकोटिक खिला दिया, क्योंकि मेरे पास अब नार्कोबेरीज खत्म हो गई थी, और मैं अभी हार्वेस्ट करने जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार गाइज मैं नहीं चाहता कि भाई ये मर मरा जाए। ओ हो गया, टेम हो गया ये, गुड 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 गुड। अब एक काम करो भाई, इसको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं क्या करूँ इसके साथ भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊँ क्या, नहीं तो इधर आ जा भाई, तो इधर आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा, गुड 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 गुड, कम 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 कम, मेरे साथ आ जा एक बार, हाँ गुड
आजा आजा भाई, 55 लेवल का चढ़ जाना यार भाई, हट जा तू सामने से, आजा 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 आजा, गुड गुड गुड, आजा आजा, हाँ गुड, वेरी वेरी गुड, आजा आजा ट्रेंड ऑन, आजा आजा, बिल्कुल अब तू सेफ है भाई, अब तेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, देख तू आजा यहाँ, आजा 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 आजा, वेरी नाइस, अब तू यहीं रुक, स्टॉप ऑल, भाई तू यहाँ खड़ा रहे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, अच्छा अभी थोड़ा सा दिन और है अभी, थोड़ा चलो गामा ऑन रखते हैं। वो भाई वो डोडो रैक्स है यार हमारे घर के कितने पास है, निकलते हैं यहाँ से, इसके पास से नहीं निकलूंगा मैं, थोड़ा दूर से जा रहा हूँ। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ओ बच गया मैं तो, मेरा ओ शिट शिट शिट, वो प्राइमल कार्नों ने मार दिया मैं यार, दैट्स वेरी बैड एक्चुअली, ओ शिट, आज हमारा मरना तय है। ओ भाई ये क्या चीज है, ओ ये क्या चीज है, ओ भाई ये क्या, क्रिस्टल वाइवन मिनियंस। अच्छा गाइस चलो मैं आपको थोड़ा केबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो जितनी भी केबल्स अभी मेरी खुली हुई है ना, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो गाइस अब जैसे ये है, देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पूरा खेल किस चीज का है। देखो हमें पहले ना नॉर्मल एग, मतलब जो हमारा नॉर्मल एग होता है ना, एक नॉर्मल एग से डायनासोर एग कोई सा भी एग चलेगा, उस एग से हमें बनाना है सबसे पहले एक टॉक्सिक केबल। टॉक्सिक बहुत सिंपल होती है, बन जाती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब जो टॉक्सिक केबल होती है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, डायनासोर है, फाइबर, नार्कोटिक्स, रूट कैरेट और स्पॉइल मीट। इट्स ओके फाइन गाइस, ये तो समझ में आ गया। अब इस चीज़ का क्या खेल है मैं आपको समझाता हूँ। जो भी आर्क, मतलब इसके जो प्राइमल फियर के क्रीचर्स हैं, इसको मतलब एक तरीका है, इसको टेम करने के लिए एक सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भाई ये केबल से टेम होते हैं सिर्फ, तो इनको सिर्फ हम केबल से ही टेम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ पता है क्या है कि जैसे हमको एक केबल, मतलब इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आते हैं टॉक्सिक, ओके, और उसके बाद देखो ये आते हैं, उसके बाद आते हैं एल्फा, और उसके बाद आते हैं ये एलिमेंटल, फिर उसके बाद शायद आते हैं एपेक्स, और उसके बाद आते हैं सेलेस्टियल, और फिर शायद स्प्रिट वाले आते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली, मेरे को सिर्फ इतना ही पता है अभी। तो देखो आपको अगर ये फर्स्ट केबल बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज़ों से बन जाएगी, लेकिन अगर आपको सेकंड केबल बनानी है, मतलब ये जो रो होगी हमारी केबल्स की, तो उसके लिए आपको पहले एक टॉक्सिक एग चाहिए होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको सेलेस्टियल केबल बनानी है तो आपको पहले एक प्राइमल एग चाहिए होगा, मतलब एल्फा एग चाहिए होगा। तो इसी तरीके से इसमें वर्क करती हैं चीज़ें कि भाई पहले आप एक स्टेज को पार करो, फिर सेकंड स्टेज को पार करो, फिर उसके बाद दूसरी को। तो पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसमें करने हैं टेम डोडोस को, क्योंकि ओ भाई वो टेरनोन है क्या, हम उसे भी टेम कर लें, वो ग्रिफिन है क्या एक्चुअली, वो ग्रिफिन है, तो ये कौन सा ग्रिफिन है, इलेक्ट्रिक ग्रिफिन है, इसके लिए क्या चाहिए हमें, एलिमेंटल केबल चाहिए। तो यार एलिमेंटल केबल तो भाई अभी हमने खोल तो ली है शायद से, पर हम उसे नॉक करेंगे कैसे। तो भाई एलिमेंटल केबल है हमारे पास, लेकिन हम उसे बना नहीं सकते क्योंकि हमें सेवर रूट चाहिए, जो कि हाँ चलो तो हमें फार्मिंग वगैरह करनी ही पड़ेगी। तो देखो यार मेरे को ना इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई, ये इन चीज़ों से देखो, क्योंकि ये उड़ने वाले क्रीचर्स हैं ना, चलो ये शायद मुझ पे एग्रो ना करे, आई डोंट नो कि ये करते हैं कि नहीं। तो मस्त हम इसके साथ चलते हैं, थोड़ा सा दूर चलते हैं और हम ट्राई करेंगे कि किसी इस ऐसे एनिमल से ना टकराएं जो हमें मार दे। तो यहाँ पर एक है तो ये, पर मुझे इसी को मारना पड़ेगा, ये प्राइम वाला जो है, मेरे को भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, पर मेरे को ऐसे ही से मारना पड़ेगा। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मैं इसे हार्वेस्ट कर लेता हूँ जल्दी। ओके वो तो हमें कुछ कुछ तो और मिला है, चलो तो हमें ट्राइक, मैं सोच रहा हूँ ट्राइक को टेम कर लें क्या गाइस हम। ट्राइक बेरी वेरीज के लिए बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, तो मैं ट्राइक को कर ही लेता हूँ फिर, और मेक श्योर कि हम इसे बचा लें अपने पहले, और इसे भी, हाँ डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो हम इसे बोला करते हैं भाई, बोला, ये बोला नहीं होता ना, इसका टॉर्पर कितना है, ये बोला नहीं होता यार, मैं तो भूल ही गया था ये बोला नहीं होता। ओके तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूर भाग के इसको ट्राइंग करना चाहिए क्या,
आई डोंट नो एक्चुअली कि हमें क्या करना चाहिए, इसे हम ट्रैप कैसे करें। देखो ट्रैप तो हम इसे नहीं कर सकते, और दूर से हम इसे वैसे मार सकते हैं। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा यार। शिट, ओके फाइन, तो हम मर गए, और डेफिनेटली होना था हमारे साथ। वैसे गाइस एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई कि देखो हमने सही काम किया कि हमने अपने उसको डायनो को इसके अंदर रख दिया, बॉल कर दिया उसे, मतलब सोल बॉल कर दिया, नहीं तो हम फालतू उसको भी मरवा ही देते। तो ओके ये काफी अच्छा हुआ हमारे साथ एक्चुअली। भाई हमें कुछ मिला, ओके क्रॉसबो मिला हमें, अपीयरेंस का क्रॉसबो मिला। यार मैंने इसे यूज करने की क्यों नहीं सोची अभी तक, और हमारे पास 6 ट्रैंक डार्ट्स एरो भी थे। यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, सीरियसली मैं क्या करना चाह रहा हूँ यार। देखो मेरे को मिला था ये भाई, ये भी मिला था, ये ब्लू प्रिंट है क्या जर्नी मैन का, अपेक्स फ्लैग, ओके अपेक्स का हमें चाहिए कुछ कुछ इसमें, और हम इसे भी बना सकते हैं। ओके फाइन, तो ये तो हमें मिला। बाकी अच्छा, इन क्रीचर्स को मारने से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, मेरे को समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। तो लेट्स सी गाइस कि हम कुछ और भी अच्छी चीज़ें मतलब कुछ कर पाए हम शायद उनका। तो मुझे अपने कुछ और क्रीचर्स को भी मार के देखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ना हम डोडो ढूंढते हैं गाइस। तो मैं काम करता हूँ, चलो डोडो ढूंढते हैं, और मैं अपने टैंड ऑन से जाता हूँ और मैं ढूंढता हूँ डोडो, उसको अगर मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैं कुछ रूट कैरेट्स को ले आया हूँ, रॉक कैरेट सॉरी। इसको फार्म करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको तो हम डायरेक्ट ला सकते हैं। मतलब मेरे को मिल गई थोड़ी सी, बहुत सारी मतलब मेरे को हार्वेस्टिंग करनी पड़ी, पर मिल गई, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं आई। तो मेरे को सबसे पहले तो ना केवल मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन सी बना सकता हूँ। तो मैं बना सकता हूँ, मेरे पास एग नॉर्मल वाले हैं नहीं क्या, आई थिंक है मेरे पास एग तो हैं, मेरे पास एक एग और है टॉक्सिक, चलो मैं इसमें डाल देता हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, टॉक्सिक ब्लड। ओके हम एल्फा केबल भी बना सकते हैं गाइस, एक्चुअली हम एल्फा केबल बना सकते हैं। ठीक है तो मैं एल्फा केबल बाद में बनाऊंगा, सबसे पहले हम एक टॉक्सिक केबल बना लेते हैं। तो हम कितनी बना सकते हैं, हम 3 बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मेक श्योर 2 बना लेते हैं कम से कम, कि अगर एक से काम नहीं चला तो भाई 2 हो जाए हमारे पास। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं फीमेल डोडो ही पकड़ूं, तो मैं क्या है वो एग्स वगैरह मिलते रहेंगे उससे। तो गाइस हमने 2 डोडो को तो गिरा दिया है, लेकिन यार ये एल्फा वाली भी मेरे को परेशान कर रही है। आई डोंट नो कि इसको क्या लगता है, शायद ये भी हम कर पाए। ओके गाइस हम शायद इससे भाग रही है। तो गाइस हमें जो वो मिले थे ना एरोज भाई, वो बहुत सही एरोज थे। आई डोंट नो वो कौन से एरोज थे, पर वो बहुत अच्छे एरोज थे। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अल्फा केबल चाहिए। मैं ना थोड़ी देर में जल्दी से मैं केबल बना लूँगा, पहले तो मैं इसे टेम कर लेता हूँ। एक केबल चाहिए इसे, एक ओके फीमेल, तो मैं इसे एक केबल तो दे ही देता हूँ। ओके फाइन, तो ये हमने इसे टेम कर लिया। एक जॉम्बी, आई डोंट नो कि ये एग वैग देती है कि नहीं, पर लेट्स सी गाइस। मैं सबसे पहले तो इसे बंद कर लेता हूँ, और मैंने एक टोडो यहाँ पर और कहीं गिराई थी, ये रही। तो मैं इसे भी जल्दी से एक केबल और दे देता हूँ। ओके फाइन, तो हमने 2 डोडो टेम कर ली, और ये बहुत ज़रूरी था एक्चुअली गाइस। अब मैं पता है क्या, मेरे पास सेवो रूट नहीं है यार, मेरे पास सेवो रूट नहीं है, नहीं तो मैं इसे भी टेम कर लेता पता है। तो हम एक काम करते हैं फिर, अगर हमारे पास कोई और तरीका नहीं है तो हमें एक काम करना ही पड़ेगा, तो हमें इसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई और चॉइस है नहीं। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, तो ठीक है इट्स ओके। तो हमें क्राफ्ट करना है सबसे पहले, क्या ही क्राफ्ट कर सकते हैं, ओके हमें ये क्राफ्ट करना है, और मुझे इसे हैचेट से मारना पड़ेगा गाइस। क्या कर सकते हैं, अब कर ही क्या सकते हैं गाइस, वैसे मुझे इसे मारना नहीं चाहिए, इसकी 400 हेल्थ है, इससे हमें एग मिल जाते जो कि एल्फा डोडो एग होते, पर अभी हमने फार्मिंग नहीं की है तो अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम कुछ अच्छा कर पाएँ। वैसे हम इस पर बैठ सकते हैं क्या, हाँ भाई हम इस पर बैठ सकते हैं। देखो डोडो के ऊपर तो बहुत फास्ट चलती है यार ये, मतलब हाँ एक्चुअली ये काफ़ी फास्ट चलती है, ये वाली ये उतनी फास्ट नहीं चलती, ये उतनी बिल्कुल भी फास्ट नहीं चलती, पर ये काफ़ी फास्ट है। देखो गाइस चलो हमारे पास 2 और हो गए हैं, तो अब हमें पता है क्या, अल्फा वाली केबल बनानी है,
ओके गाइज, बाकी का सारा काम हम कल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि दो चार डोडो और पकड़ लूँ और केबल वेबल भी बना लूँ और थोड़ी सी फार्मिंग के लिए कुछ सेटअप कर लूँ। थोड़ा मुश्किल तो है पर हमें करना पड़ेगा गाइज, करना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ठीक है गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।